ओम शांति। आज की तारीख है 15/2/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर है, जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से बाबा कहते हैं कि एक बाप को याद करो, तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। सुख्यम व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि से याद करना है। धारणा के लिए मुख्य सार की दो श्रेष्ठ बातें। नंबर एक, बाबा कहते हैं कि टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरे को भी कराना है। नंबर दो है, अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बिगर और कोई की भी स्मृति न आए, इसके लिए सावधान खबरदार रहना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाबा आगे कहते हैं कि बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है, लेकिन ये इच्छा पूरी कब होगी? बाबा कहते हैं, इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। आया समझ में? अब स्लोगन है, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो क्या करें? कथनी, करनी और रहनी तीनों को समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।